गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम हैं काजा में अभी। हम कल काजा का जितना भी था वो तो कवर कर लिया, लांजा कॉमिक की मॉनेस्ट्री और चीचम्ब्री। आज का दिन काजा में हम थोड़ा स्पेंड करेंगे, थोड़ा शॉपिंग करेंगे, लोकल शॉपिंग, देखते क्या क्या है। अभी ब्रेकफास्ट करने बैठे यहाँ पे द हिमालयन कैफे, बहुत ही अच्छा खाना, बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ, सिटिंग अच्छा है, मतलब ओवरऑल आप काजा आते हो तो चुपचाप यहाँ पे आ जाओ। और हमारा कॉफ़ी आ चुका है और ये जिंजर लेमन भी आ चुका है। जिंजर हनी, हनी भी है ना इसमें, हनी है, जिंजर लेमन हनी। सो दिस इज माय कॉफ़ी, दिस इज ऐश्वर्या जिंजर लेमन हनी। चीयर्स। पी लिया पहले तो। नाइस। हमारा प्लान तो रहेगा कि हम इवनिंग सैटरडे तक दिल्ली पहुंच जाएं, ताकि संडे फ्री रहे, थोड़ा दिल्ली भी घूम सकते हैं, थोड़ा शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर शाम को 6 बजे हमारा फ्लाइट है बैक टू पवेलियन। ये है काजा का मार्केट। यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ चीज़ें मिलेगी, बहुत सुंदर सुंदर पैंट्स है, बैग्स है। क्या करवाया वो गाड़ी में? पीछे का ब्रेक पैड खत्म था तो ब्रेक पैड नया डलवाया। उधर किन्नौर में फ्रंट का ब्रेक पैड खत्म था, वहाँ डलवाया नया ब्रेक पैड। अभी इधर पीछे का डलवाया, होपफुली दिल्ली तक चला गया। और चेन टाइप, चेन ऑयलिंग, बस। और क्या अपडेट? डेट अभी हम 2 सर तक जाने वाले हैं, 2 सर स्टे करेंगे, फिर अगले दिन अर्ली हम लोग निकल जाएंगे मनाली। मनाली से आगे कुल्लू तक जाएंगे, कुल्लू में रुकेंगे। You can see the view. चारों तरफ बर्फ वाले पहाड़ हैं और हर 2 मिनट में मौसम बदल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ गिर रहा है। बहुत ही सुंदर है। तो लोसर जो है बहुत ही underrated है, लोग ज़्यादा स्टे नहीं करते यहाँ पे, बट इट इज़ वर्थ स्टेइंग। काफ़ी होम स्टेज के ऑप्शन भी है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सेक्लूडेड जगह है। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही सिंपल सा खाना था, रोटी चावल दाल और आलू गोभी की सब्जी, लेकिन बहुत ही टेस्टी। और रूम्स भी बहुत ही कोजी है, एकदम गर्म। और
हम तो ये सोच के आते कि लोकल स्टे करेंगे, कल हम लोग मनाली के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारे आते आते शायद 4 बज गए थे और हमें आगे जाने नहीं देते। 2 o'clock पास बंद हो जाता है। Stay tuned to know what happened next. Till then, don't forget to like, share and subscribe to Unclutch Sprints.